हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे दाव पावर टेक्निकल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो कॉन D2S में अगर आपने रिचार्ज किया है और वो रिचार्ज आपके अकाउंट में नहीं आया है। ठीक है जी, कहने का मतलब रिचार्ज हो चुका है और आपके अकाउंट में नहीं आया है तो कंप्लेंट आपको कैसे करनी है, या आपका जो रिचार्ज है गलत नंबर पर ट्रांसफ़र हो गया है, गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया है तो सही नंबर पर कैसे ट्रांसफ़र करना है, आज की इस वीडियो में सीख पाएंगे। गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया है, सही नंबर पर कैसे ट्रांसफ़र करना है, यार आपने रिचार्ज कर लिया है और आपका अमाउंट जो है वो D2S अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो भी सारा कुछ इसमें सिखाने वाले हैं। और एक चीज़ और कहने का, ज़्यादा रिचार्ज हो गया और आपको रिवर्सल चाहिए, कैसे करना है, क्या ऑप्शन है, D2S ने कहाँ अपने कस्टमर के लिए ऑप्शन दिया है, ये सब करने के लिए कहाँ फ़ोन करना है, कैसा क्या है, सारा कुछ ऑनलाइन आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आपने किसी डीलर से रिचार्ज किया है तब भी आप उसमें कंप्लेंट्स कर सकते हैं कि ज़्यादा पैसा दिया आपने और कम का रिचार्ज किया डीलर ने, और अगर वो मानता नहीं है तब आपने कैसे उसकी कंप्लेंट करनी है। ठीक है जी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आपको सिखाता हूँ कि सारा कुछ ये कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक D2H का इन्फिनिटी ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। D2H लिख के सर्च करना है और इन्फिनिटी लिख के सर्च करेंगे। यह अगर आपके पास ऑलरेडी है तो जस्ट ए मिनट वेट करिए। इसको डाउनलोड करने के बाद में, लॉगिन करने के बाद में इसमें आप OTP से लॉगिन हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसमें OTP से लॉगिन होते हैं तब अगला जो प्रोसेस रहता है वो आपने क्या रहता है, देखो 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है, जो 3 लाइनें हैं, और उसके बाद में आ जाना आपने कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट पर। ठीक है जी, कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट पे आपने आ जाने के बाद में आपने वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हैं, या आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, या आप मिस कॉल से आप अपने बैक मतलब कॉल रिसीव करवा सकते हैं। जैसे मिस कॉल करेंगे आप तो वहां से DStv की कस्टमर D2H की कस्टमर केयर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं अपना खुद से हमें कैसे करना है। ठीक है जी, यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑटो मोड पे ये वाली कैटेगरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले देख लेना है अपना BC नंबर जो कार्ड नंबर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे BC नंबर कार्ड नंबर वो चेक कर लेना है। उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी में पेमेंट एंड बिलिंग रिलेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन आपने, जिससे मतलब अलग अलग कैटेगरी के ऑप्शन खुल जाते हैं। पहले ऑप्शन में रिचार्ज ऑनलाइन अमाउंट नॉट रिसीव्ड, आपने ऑनलाइन रिचार्ज किया है अमाउंट रिसीव नहीं है, नहीं हुआ है तो उस कैटेगरी में कंप्लेंट कर सकते हैं। और पेमेंट मोड ऑन, मतलब पेमेंट मोड ऑन रॉन्ग VC अमाउंट ट्रांसफ़र, गलत नंबर पर रिचार्ज किया है तो आपने सही नंबर पर ट्रांसफ़र कैसे करना है, यहाँ से कर सकते हैं। रिचार्ज थ्रू डीलर अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है जी, यहाँ से आप उनके डीलर की कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन पेमेंट और रिक्वेस्ट जैसे कि रिवर्सल। ठीक है जी, अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन किया आप उसको रिवर्सल मंगाना चाहते हैं तो इस यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि अमाउंट आपने देख लेना है कि कितने का आपने अमाउंट का रिचार्ज किया है, कौन सी डेट में किया है, वो डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर अपना रजिस्टर नंबर जो होता है वो अपना चेक कर लेना है, और रिचार्ज अमाउंट और रिचार्ज डेट और ट्रांजेक्शन नंबर। ठीक है जी, ये सारा कुछ फिल करने के बाद में आप आ जाता है कि कौन से बैंक से आपने रिचार्ज किया है, मतलब कि फ़ोनपे, पेटीएम, UPI क्या किया है, वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे पेटीएम किया तो पेटीएम, और उसके बाद में ये D2H का ऐप से किया है या वेबसाइट से किया है तो आपने नो सेलेक्ट करना है इसको। उसके बाद में अपना उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ होगी आपके इस वाले मतलब ऑप्शन को आपने फॉलो कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज किया और आपका रिसीव नहीं हुआ है तो। वैसे ही आपने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपने जाना है, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है और कुछ अलग चीज़ नहीं है। और वहीं अगर हम बात करेंगे और भी सभी चीज़ों में सेम प्रोसेस है, कोई चीज़ अलग नहीं है। आपने यहाँ पे सीधी सी बात है, सारा कुछ इसमें मांगते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर, पिन कोड, या डीलर के जैसे कंप्लेंट कर रहे हैं तो डीलर के उसका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सारा कुछ इसमें मांगे, शॉप नंबर क्या है, कहाँ का है, तो सारा कुछ इसमें फिल कर देना है। तो इस तरीके से आपने कंप्लेंट कर देनी है इसमें, अपना मोबाइल नंबर डाल के और ट्रांजेक्शन नंबर डाल के सारा कुछ होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। अगर आप अदरवाइज ऐसे ही कुछ मालूम नहीं है आपको, डायरेक्ट प्लेस में लिखते हैं तब कुछ नहीं हो सकता है। और ये सारे ऑप्शन D2H ने ऑफिशियली जैसे वेबसाइट पर और अपने ऐप पर दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी कस्टमर केयर से अगर कोई हेल्प नहीं मिलती है तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए होता है।
ठीक है जी। तो गाइस ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन जो बताना, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट पे, तब तक थैंक यू, बाय बाय।